हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल प्रेडिक्शन ड्रीम इलेवन में। जैसा कि आप जानते हैं, जो कल मैच और श्रीलंका वुमेन और पाकिस्तान वुमेन के बीच में, उसके लिए मैं दोनों के प्लेइंग इलेवन लेके आया हूँ। हो सकता है श्रीलंका कोच चेंज ना करे अपने इस मैच में, क्योंकि श्रीलंका बहुत मुश्किल से एक मैच जीता है और पाकिस्तान एक दो चेंज कर सकता है, वो हम बात करेंगे इस वीडियो में। और उससे पहले जो ऑस्ट्रेलिया वुमेन और इंग्लैंड वुमेन का मैच होने वाला है, उसका वीडियो मैं अपने चैनल पर अपलोड कर चुका हूँ, आप जाके देख सकते हो। अगर देख लिया तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और एक बात कि मैंने जो IPL पेड ग्रुप बना रखा है, अगर आपको ज्वाइन होना है तो आपके नंबर जो कमेंट सेक्शन बॉक्स में डाल दीजिए। अगर वहाँ पे नहीं डालना चाहते तो मेरा वीडियो देख सकते हो आप, जो मैंने अपने चैनल पे अपलोड कर रखा है। अगर आप वीडियो भी नहीं देखना चाहते तो डिस्क्रिप्शन लिंक पे क्लिक करके आप सारी डिटेल पढ़ सकते हो। अगर आप डिटेल भी नहीं पढ़ना चाहते तो जो डिटेल में मेरे नंबर दिए हैं, तो आप मुझे नंबर में फ़ोन कर सकते हो, तो फिर मैं आपको पेड ग्रुप की सारी डिटेल समझा दूंगा, अगर आपको ज्वाइन होना है तो, अगर नहीं होना तो कोई बात नहीं। आइए बात करते हैं पहले कि दोनों के प्लेइंग इलेवन की। तो एयर स्कोर की बात करूँ तो 149 का रहता है, और एवरेज लो स्कोर की इस ग्राउंड में बात करूँ तो 148 का रहता है। और हमने दोनों मैचेस देखे हैं, T20 के ज़्यादा रन नहीं बनते वुमेन के मैच, बॉलिंग सपोर्टेड पिच रहती है, लेकिन कभी कभी बैटिंग सपोर्टेड पिच हो सकती है। तो आइए बात करते हैं पहले पाकिस्तान की प्लेइंग इलेवन की। तो नाइदा खान, परवेज और मुनीब अली, इन दोनों में से कोई एक खेल सकता है। बिस्मा मारूफ, जवरिया खान, निदा दार, केनात इम्तियाज़ और मुनीबा अली, इन दोनों में से भी कोई एक खेल सकता है। तो परवेज़, मुनीबा अली और केनात, इन तीनों में से कोई दो खेलेगा। सनामीर, फरीहा महमूद और सिद्रा नवाज, इन दोनों में से कोई एक खेल सकता है, क्योंकि पाकिस्तान एक दो चेंज कर सकता है, क्योंकि पाकिस्तान पिछले में हार गया था। डियाना बेग, नसरा संधु और फातिमा, तो ये प्लेइंग इलेवन हो सकती है पाकिस्तान की कल के मैच में, क्योंकि पाकिस्तान पिछले मैच हार चुका है। और एक बात बता दूं आपको, वुमेन के मैच होते तो आप वुमेन के मैचों में सिर्फ एक या दो टीम के साथ ही खेला करो, कोई भी चेंजेस कर सकते हैं। आपको पता है वुमेन का मैच PSL की तरह ही है कि कोई भी ये चेंज कर देते हैं। PSL में जैसे हमने देखा था, कोई भी चेंज होता था, तो इस वुमेन मैच में भी कोई भी चेंज हो सकता है। तो आइए बात करते हैं श्रीलंका की प्लेइंग इलेवन की। तो संजीवनी, अट्टापट्टू, मेंडिस और हंसिका, इन दोनों में से कोई खेल सकता है। असिनी परेरा और मंदोरा, इन दोनों में भी कोई खेल सकता है, लेकिन मुझे नहीं लगता कोई चेंजेस करेगी श्रीलंका, क्योंकि श्रीलंका बहुत मुश्किल से मैच जीता है। वंडर, डी सिल्वा, श्रीवर्धने, आमा कंचना, उदयसिका कुमारी और रंगा सिंह के, तो ये हो सकती है श्रीलंका की प्लेइंग इलेवन। अगर लास्ट टाइम में श्रीलंका ने कोई नहीं चेंज किया, अगर कोई न्यूज़ नहीं आई, तो फिर मैं कुछ नहीं बता सकता। अगर कोई न्यूज़ बाहर निकल के आई तो मैं कमेंट सेक्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप मेरा कमेंट चेक कर सकते हो। और अगर आप पेड ग्रुप में ज्वाइन होना चाहते हो तो आप बेफिक्र हो जाइए, क्योंकि पेड ग्रुप में मैं सारी न्यूज़ देता रहता हूँ। हर जो न्यूज़ आती है बाहर निकल के, वो सबसे पहले मैं पेड ग्रुप में देता हूँ और कमेंट सेक्शन बॉक्स में डालता हूँ। तो अगर आप पेड ग्रुप में ज्वाइन होना चाहते हो तो आप ही का फ़ायदा है, IPL में हम बहुत ही अच्छा विन करने वाले हैं। तो आइए बात करते हैं प्लेइंग इलेवन टीम की, जो मैंने आपके लिए बना रखी है, जो ड्रीम इलेवन टीम। विकेट कीपर सेक्शन की बात करो तो तीन ऑप्शन आपके पास हैं, फेंडर, सिद्रा नवाज और फहिया महमूद, तो ये एक चेंज कर सकता है पाकिस्तान के। जो महमूद को मौका दिया जा रहा था दोनों मैचों में, तो सिद्रा नवाज को मौका दिया जा सकता है, इसलिए आपके पास से ऑप्शन है वो रिब्यूका वेंडेट का ही रहने वाला है। बैटिंग सेक्शन की बात करूँ तो मैंने तीन बैट्समैन को पिक किया है, बिस्मा मरूफ, जवरिया खान और संजीवनी। ऑप्शन की बात करूँ तो नाइदा खान एकदम सेफ ऑप्शन है, इन दोनों को मौका दिया जाता है लेकिन मेरे हिसाब से नहीं दिया जाएगा। 50-50 में कहने कहूँगा, आप ग्रांड लीग खेलो तो ट्राई कर सकते हो, सिद्रा अमीन खेलती हुई नज़र आ जाएगी, और मैं सारों का ही 50-50 कहने वाला हूँ, क्योंकि वुमेन के मैच में वुमेन के मैच में कोई भरोसा नहीं करता, लेकिन मुझे लगता है श्रीलंका कोई चेंज नहीं करेगा। आइए ऑलराउंडर सेक्शन की बात करते हैं, मैंने तीनों ने पिक किया है, श्रीवर्धने, निदादार और सनामीर। आप अट्टापट्टू के साथ जा सकते हो, क्योंकि बहुत ही ज़बरदस्त, आपको पता है बैट्समैन और बॉलिंग करते हैं। और ऑप्शन की बात करूँ तो 50-50 ही रहने वाला है सबका। आप लेना चाहो तो अपनी टीम में किसी को भी पिक कर सकते हो, डी सिल्वा और परवेज़, इनके ज़्यादा चांसेस है खेलने की। आइए बात करते हैं बॉलिंग सेक्शन की, तो मैंने चार बॉलर को पिक किया है, डियाना बेग, उदयसिका, फातिमा और कुमारी। ऑप्शन की बात करूँ तो आपके पास इनोका को मेरे हिसाब से मौका नहीं दिया जाएगा, विरोकाडी को मौका नहीं दिया जाएगा, नसरा शंधु, केनात इम्तियाज, अमा कंचना, 50-50 कहने वाला हूँ मैं। जो मैंने आपके लिए टीम बनाई है वो 90-95% सेफ टीम बनाई है, अगर लास्ट टाइम में कोई चेंज नहीं हुआ तो, और ओसाडी खेलती हुई आपको नज़र आ जाएगी।
और मुझे नेता अनवर को और NOC को मौका दिया जाएगा। आइए बात करते हैं कैप्टन वाइस कैप्टन की। तो कैप्टन मैंने रखा है बिस्मा मारूफ को और वाइस कैप्टन मैंने रखा है श्रीवर्धने को। तो आप अट्टू पट्टू को भी एक ज़्यादा टीम में बनाओ तो अट्टू पट्टू को जरूर लेना, कैप्टन वाइस कैप्टन जरूर बना, वो ज़बरदस्त फॉर्म में है। आइए बात करते हैं फाइनल प्रीव्यू की। तो ये मेरा फाइनल प्रीव्यू रहने वाला है इस टीम का। मैं एक टीम के साथ खेलूंगा क्योंकि मैं वुमेन के मैच में भरोसा नहीं करता। तो आप एक की टीम के साथ खेलना। ऑप्शन कैप्टन वाइस कैप्टन ऑप्शन की बात को नजरिया खान ज़बरदस्त, मीर ज़बरदस्त ऑप्शन आपके लिए, डियाना बेग वाइस कैप्टन के लिए बहुत ज़बरदस्त ऑप्शन है, संजीवनी कैप्टन के लिए ऑप्शन है, फातिमा वाइस कैप्टन के लिए बहुत ज़बरदस्त ऑप्शन है। तो ये कुछ ऑप्शन है आपके पास। अगर आप IPL पेड ग्रुप जॉइन होना चाहते हो तो वहाँ पर मैं हर मैच की 6 टीमें देता हूँ, ग्रैंड लीग की अलग, स्मॉल लीग की अलग और हेड टू हेड की अलग टीम अपने ग्रुप में देता हूँ। तो आप मेरा IPL पेड ग्रुप जॉइन कर सकते हो, अगर इंटरेस्टेड हो तो आप जवाब देना। बाकी दोस्तों में वीडियो इतना ही इस वीडियो में। आगे हम बहुत जल्द मिलेंगे, जो अगले मैचेस होने वाले हैं उनके वीडियो मैं अपलोड करता रहूँगा। आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हो। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो आप ही कल हो सकते, क्योंकि पूरा IPL हम कवर करने वाले हैं, उससे पहले जो मैचेस होंगे वो हम कवर करने वाले हैं। तो अगर आपने नहीं किया सब्सक्राइब तो अब तक तो सब्सक्राइब कर दीजिए, आप ही का फ़ायदा है। कोई सब्सक्राइब करने का पैसा नहीं लगता है। और बस इस वीडियो में इतना ही, ख्याल रखना अपना और अपने फैमिली का। धन्यवाद दोस्तों।